हाय दोस्तों, जहर नमस्कार। आज आप लोग लेकर जा रहे हैं अंजन ग्राम। टोटो से कुछ ही दूर के दूरी में एक रोड गई है, बस आप लोगों का सारा दर्शन करवाते हैं अंजन ग्राम। जय बजरंगबली। आज मंगलवार भी है, हाँ तो हम लोग देखिए अंजन ग्राम मंदिर आ गए हैं। स्वागतम लिखा हुआ ऊपर दिखाइए। ये हमारे वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा बोल दी। यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट अंजन ग्राम ऊपर देखो, यहाँ से लेफ्ट जाइएगा, नीचे नीचे रोड दिखो। हाँ ये रहा देखिए मुर्गी का दुकान है, इधर से अंजन ग्राम की ओर रोड जाती है। तो जोहार दोस्तों, प्यार भरा सुबह का गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो दोस्तों आज आप लोग लेके चल रहे हैं अंजन, हाँ जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध वो जगह। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम शूट करने में जरूर आएंगे। गिलहरी भी है दोस्तों, देख लीजिए श्री राम जी का। और कितने एक पॉइंट आठ पहाड़ जब तक नहीं है तब तक रात हो जाए। दोस्तों अभी जी का तो कैमरा पकड़े चक्कर में गिर जा रहे हैं सीट से ही। यातायात का नियमों का पालन करें। वाह दोस्तों ये देखिए, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट देन मेक अ यू टर्न। हनुमान अंजन, टेक द नेक्स्ट राइट देन मेक अ यू टर्न, मेक अ यू टर्न देन टर्न लेफ्ट। बजरंगबली का स्थान, हाँ ये कौन सा मंदिर है? हाँ वो दिखा, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट। आज ये नीचे वाला, ये दोस्तों यहाँ पर से शुरुआत होती है हमारे बजरंगबली भगवान का मंदिर। जय श्री राम। दोस्तों हम लोग आप पहुँचे हैं अंजन धाम। जो देख रहे हैं रोड एक्चुअली बन गई है इसलिए वो जल्दी यहाँ पहुँच गए, वरना चढ़ते चढ़ते एक घंटा लग जाता ना। हाँ तो देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी बोल रहे हैं एक घंटा लग ही जाता चढ़ते में, तो वो थैंक यू फॉर सरकार को देना चाहिए। ये यहाँ देखिए यहाँ सारा कुछ मिलता है आप पूजा करने के लिए, यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर अंजनी माँ और बजरंग बली जो गोद में लिए हैं, या यही मंदिर है वो दिखा दो। तो दोस्तों ये जो पूरे विश्व में वो मंदिर नहीं मिलेगा जो यहीं पर है। माता अंजनी ने बजरंग बली को मतलब लल्ला को अपने गोद में ली हुई है। और बजरंग बली का यही पैदा हुए, हाँ बजरंग जी हमारे यहीं पर जन्म हुए हैं। तो थोड़ा यहाँ के बारे थोड़ा बताते हैं हमारे, आपका नाम? कलेश्वर नायक। कलेश्वर जी, ग्राम अंजन, हाँ निवासी मैं हूँ जी जी। यहाँ जो कि पूर्वज में गुफा में जो अंजनी माता रहते थे, और जब वही गुफा में तालाब अंदर में था उसी में नहाते धोवाते थे और अंदर ही रहते थे। जब बैगा वगैरह लोग आते थे पूजा पाठ करते थे तो दरवाज़ा खुल जाता था और अंदर में घुस के पूजा पाठ करते थे। प्लस जैसे जैसे युग पलट गया ना तो दरवाजा भी कपट लग गया। तो दोस्तों इनका कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे कलयुग आते गया है तो वो कपाट बंद हो गया। तो दोस्तों अगर सैलानी अगर कोई भी आती है प्रसाद यहाँ से लीजिए, लेके मत आइए। तो यहाँ पर आपको एकदम शुद्ध शुद्ध मिलेंगे। तो यहाँ पर है कि प्रसाद आप ले कर आ सकते, यहीं का प्रसाद चढ़ाना होता है। तो आप लोग आइए और यहाँ पर
पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करें, आपको ऊपर क्यों ले जाते हैं। चलिए आप लोग मिल के पूजा करेंगे। ये अभी जी और दिखाइए, देखें कि कैसा प्रसाद है। इसलिए जो जो बजरंग बली को पसंद है ना, यही वाला लिए, नारियल केला है सबसे फेवरेट इनका। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, दौड़ के कौन सा मंदिर है, इधर वाला किधर वाला, मतलब जो गोद में ली है माँ। दोस्तों ये रहा, ये है भंडार सहयोग अंजम टोटो। पीछे का दृश्य दिखाइए तो, वाह, सोच लिए बजरंग बली यही मतलब बड़े भी हुए। ये रहा, ये है भंडार सहयोग अंजम टोटो। पीछे का दृश्य दिखाइए तो, वाह, सोच लिए बजरंग बली यही मतलब बड़े भी हुए। पास दोस्तों टाइम नहीं, इसलिए पड़ा तो बजरंग बली बुला लिए, इसलिए अंदर पहुंच गया सेकंड मंगलवार में। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में सीधा घुस जाओ जल देख सकते आप लोग कितना मस्त। कैमरा बनाते हैं ना, हाँ इधर से रास्ता है ना, यही तो रास्ते लग रहा दोस्तों। पीछे देखिए, पंडित जी इधर से के रास्ते, इधर से दोस्तों इस साइड से आइएगा। खराब हो गया, चढ़ चला अच्छा तो दिखा। जय श्री राम। जय बजरंग बली माता रानी, जय माया रानी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितना मस्त लग रहा ना, क्या बढ़िया है, नजदीक है। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों को दर्शन कराए हैं हनुमान जी के जन्म स्थान, और बहुत एक और गुड न्यूज़ है, यहाँ पर हम जल्द ही शूट करने वाले हैं, कुछ अलग है, कुछ कोशिश करते हैं। आप लोग भी सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, हाँ बजरंग जी का, बजरंग भगवान का पड़ा आशीर्वाद चाहिए।
जय जय चंद्रमा श्री भगवान जी हैं, हनुमान माता जी हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों बहुत अच्छा लगा अपने पूज्य ने, हम बयान नहीं कर सकते इस जगह के बारे में। आज से मेरा सोचे नहीं थे कि आज वो दिन मेरा बोलेंगे, आज मंगलवार भी है, आज सफल हुआ है। तो कहा गया है जब तक ईश्वर आपको बुलाएंगे नहीं दरबार, तब तक आएंगे नहीं। सडनली हम लोग यहाँ आने का ये नहीं था, बस हम लोग शटली कैसे पहुंच गए, बस बुलावा आया तो हम लोग ऑटोमेटिक खींचा चला आ गए। बस वही बोलेंगे कि ऊपर वाला है बस। तो दोस्तों आप लोग अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी मेरे नए मित्र जुड़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अच्छे अच्छे आपको लोकेशन और बहुत से भरपूर इंटरटेनमेंट दिखाएंगे वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ नया सफर के लिए आपको जरूर लेके चलते हैं। धन्यवाद।